हम यहाँ पर कमरा अदालत के बिल्कुल पास ये वो मशहूर मारूफ तराजू जिसको आप अक्सर टेलीविज़न पर भी देखते रहते हैं और इसके ऊपर एक बड़ी मारूफ इबारत भी लिखी हुई है, ये वो मनाजर हैं जो शायद आप वैसे नहीं देख पाते टेलीविज़न पर या रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, जो सुबह से इंतज़ार कर करके शायद अब थक चुके हैं, ऐसी कुछ हालत थोड़ी देर पहले मेरी खुद की भी थी। थक गए हो शाकिर? थक गए यार सुबह से, और पता नहीं क्या वजह है। मैं खुद सुबह 10 बजे से आया हुआ हूँ। कोई इस फैसले में, कोई समात में, कोई आपको लगता है इतना लंबा करने की वाली कोई चीज़ है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 जुलाई और दिन है मंगल का। जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो तारीख बदल रही होगी या बदल चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। आप में से बहुत सारे लोग रोज़ कहते हैं कि व्लॉग जल्दी अपलोड किया करें, हमें सोना होता है, जल्दी अपलोड कर दिया करें, लेकिन मसला यह है कि ये पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को कवर करना, फिर इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले बैक टू बैक कुछ अहम इजलास, तो ये सारी चीज़ें सम अप करके ही आपको यहाँ पर बताना होता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें आपको बताऊँ जो ऑलरेडी टीवी पर चल चुकी हों, तो कुछ साइड स्टोरीज़, कुछ साइड विजुअल जो आपने शायद टेलीविज़न पर नहीं देखे, वो चीज़ें आपको बताऊँ। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने से पहले तक जो हम 10 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे, तो उस दौरान मैंने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए उस तराजू के नीचे जाके, जिसको मरियम बीबी अक्सर आजकल बड़ा तनकीद का निशाना बना रही है कि ये तराजू एक तरफ झुका हुआ है, दूसरी तरफ से उठा हुआ है। तो वो तराजू आज मैं करीब से जाके देखा आया हूँ, तो वहाँ से भी कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए, और तब से लेके 9-10 घंटों के दौरान फैसले का इंतज़ार करते करते क्या सिचुएशन थी सुप्रीम कोर्ट में, वो कुछ विजुअल मैंने रिकॉर्ड किए, तो वो आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, और फिर फौरन बाद इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास के हवाले से। आज तकरीबन लगभग चार महीनों के बाद मैंने लोगों के चेहरों पर थोड़ी खुशी देखी, लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देखा, लोगों को जश्न मनाते हुए देखा। 9 अप्रैल की रात मुझे नहीं भूलेगी, जब ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों के टेलीफोन कॉल्स आए, और लिटरली बहुत सारे लोगों को रोते हुए सुना, उनके एक तरह से रोते हुए की जो आवाज़ है वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, जिस तरह से उन्होंने बात की कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा था, जो हुआ हमें खुद उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सिवाय इस चीज़ के हम लोगों को बस तसल्ली दे सकते थे कि लेट सी, देखते हैं क्या होता है, और कुछ बताने के लिए था नहीं। लेकिन 4 महीनों के बाद अब लोग वापस खुश हुए हैं, आज मुल्क भर में एक जश्न का समय है, और ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे उनका बयानिया जीत रहा है और आवाम के वोट का फैसला हो गया, और जिस तरफ आवाम चाहती थी उस तरफ उनका वोट जाता दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट का आज जो भी फैसला है उस पर तनकीद एक मखसूस तबका ज़रूर करेगा, लेकिन बहरहाल ये आवाम के वोट की जीत है। आज इमरान खान ने जीता, आज पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान का बयानिया जीता है, पाकिस्तान की आवाम जीती है, और आवाम का वोट जीता है। तो इसलिए थोड़े से हैप्पी मोमेंट्स हैं, तो इनको आज लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा कंसर्न देखा है, जिस तरह से वो रबते में रहते हैं और जिस तरह से वो लम्हा बलम्हा पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल होगा। तो आज मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ होगा उनके लिए, और ये रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला मरहला है। अभी रजीम चेंज का एक हिस्सा रिवर्स हुआ है, दूसरा हिस्सा रिवर्स होना बाकी है। इस वक्त बनीगाला में क्या हो रहा है वहाँ की भी सूरत हाल आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि सारे के सारे जो पार्टी की आदत के मरकज़ी लोग थे वो बनीगाला पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद। बहरहाल जो भी फैसला है वो आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख लिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। एक दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि जो 8 घंटे का वज़ीर आला था, ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, मुख्तसर तरीन इकतदार, वो भी गैर आइनी, यानी हमजा शहबाज साहब ना सिर्फ फारिग हुए बल्कि तहरीरी तौर पर अहकाम जारी किए गए कि इनको और इनके वुजरा को हुक्म दिया जाता है कि वो अपने दफातर खाली कर दें। और साथ ही जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग के तहत ये पाबंद बनाया गया था कि इतने बजे दोबारा से इजलास बुलाया जाए, इतने बजे हलफ हो, और ये सारी सिचुएशन, उसी तरह की सिचुएशन का सामना आज PMLN को भी करना पड़ा, जब परवेज़ लाई को वज़ीर आला करार दिया गया है, आईनी वज़ीर आला, 186 का जो नंबर था वो बहाल किया गया, और साथ ही हमजा शहबाज और उनकी काबीना को दफ्तर खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया,
सारी की आदत भागी बनीगाला की तरफ, बशमूल मोना सिलाई ने पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की और अब वहाँ पर बन रही है सूबाई काबीना। यानी इमरान खान साहब मुशावरती अमल शुरू कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है नया सियासी मंजरनामा। इस सारी सूरत हाल के बीच में नया सियासी मंजरनामा क्या होगा? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो सुकड़ कर सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहेगी, उनकी किसी और सूबे में हुकूमत नहीं है, सिर्फ वफाकी दारुलहुकूमत में है। पीटीआई की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, केपीके में हुकूमत है, कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। इसलिए जो नया सियासी मंजरनामा है वो आइंदा आम इंतखाबात की तरफ है। जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, अब इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। इन सारे मामलों के बावजूद आपने पूरा जोर लगाया कि इक्तदार से निकाल दिया जाए, अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए, लेकिन अवाम ने अपने दिलों में भी रखा, वापस मैंडेट भी दिलाया। ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ, शायद ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी को आपने खींच के कुर्सी से उतारा और अवाम ने उसको वापस उसी तरह से कुर्सी पर वापस बिठा दिया। अब ये रजीम चेंज का पहला हिस्सा रिवर्स हुआ, अगला हिस्सा मरकज़ का होगा। असल अब जो दिलचस्प मरहला आना है वो आना है डिप्टी स्पीकर का। अदालत के इस फैसले के नतीजे में सिर्फ वज़ीर आला ही फारिग नहीं हुआ, अब डिप्टी स्पीकर भी फारिग होगा। किस तरह, वो बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। अब आनी है तहरीक अदम एतमाद सबसे पहले डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, और उन्हें फारिग किया जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोटे साबित हुए हैं। तो अदालत का जो हुक्म आज का आया है उसके नतीजे में एक बात वाजह हो गई कि लोटा लोटा ही है, चाहे वो पार्टी का मेम्बर हो या पार्टी का सरबरा हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो भी लोटा ही है। खैर, लिखा नहीं गया फैसले में लेकिन ये क्लियर ज़रूर हो गया। तो जनाब, इस सारे फैसले को जुडिशल कू का नाम दिया गया मरियम बीबी की तरफ से। उन्होंने फौरन से ट्वीट कर दिया कि जुडिशल कू, ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशन है। अदालत को दबाव में लाने की हर मुमकिन कोशिश हुई लेकिन नाकाम हुई, और जितनी भी कोशिशें हो सकती थी हमजा शहबाज को बचाने की वो सारी सुप्रीम कोर्ट में नाकाम हो गई। तो उसके बाद अब ये ट्वीट किया गया। इसके बाद और भी लीथल अटैम्प्ट आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदलिया को इसी तरह फर्म स्टैंड करना पड़ेगा। ये तीन जजेस उसी बेंच में शामिल थे, पाँच रुकनी बेंच में, जिसने इमरान खान को घर भेजा। अगर ये तीन जजेस चाहते इमरान खान को बचाना, ये उनके लाडले होते, तो ये उस पांच रुकनी बेंच में इसी तरह का फैसला देकर इमरान खान को बचा सकते थे, मेजॉरिटी बन सकती थी ये बेंचेस, लेकिन नहीं बचाया गया। उस वक्त भी फैसला दिया गया, अवाम ने बड़ी तनकीद की, आज भी फैसला हुआ, अवाम सरा रही है। अदालत के फैसले गलत सही हो सकते हैं लेकिन इस एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब अवाम का वो रात के 12 बजे अदालतें खुलने वाला थोड़ा सा गिला जो है वो कम हुआ होगा इस फैसले के नतीजे में, और मामला थोड़ा सा बेहतरी की तरफ बढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरा दिन इस फैसले के इंतज़ार में जो 10 घंटे हमने गुजारे, किस तरह गुजारे, क्या क्या वहाँ पर हुआ, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी उसकी झलक भी आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए कि वहाँ पर क्या आज दिन भर होता रहा। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, जिसमें वही कमरा अदालत जहाँ पर तीन रुकनी बेंच ने बैठकर इस पूरे केस की समाप्त की, और फैसला इस वक्त हो चुका है महफूज। फैसला महफूज किए जाने के बाद इस वक्त शाराए दस्तूर, जो कि बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख रहे हैं, वहां पर काफी ज्यादा रश है, लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है और फैसले का एक तरह से इंतज़ार किया जा रहा है। हर आधे घंटे बाद एक एक घंटा डिले होता गया, और आप लोग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये सारा मंजर देख रहे हैं, और हम यहाँ पर कमरा अदालत के बिल्कुल पास, ये वो मशहूर मारूफ तराजू जिसको आप अक्सर टेलीविज़न पर भी देखते रहते हैं, और इसके ऊपर एक बड़ी मारूफ इबारत भी लिखी हुई है जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि इंसाफ कायम करो। तो इंसाफ कायम होगा या नहीं, इसका फ़ैसला कुछ देर में हो जाएगा। मीनवाइल मैं आपको थोड़े से मनाजर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है और किस तरह का एनवायरनमेंट है। ये वो मनाजर हैं जो शायद आप वैसे नहीं देख पाते टेलीविज़न पर या रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ लॉयर्स हैं जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, एडवोकेट समझ लीजिए या लॉयर्स, ये यहाँ पर मौजूद हैं। फिर हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नौजवान सहाफ़ी जो सुबह से इंतज़ार कर कर के शायद अब थक चुके हैं। ऐसी कुछ हालत थोड़ी देर पहले मेरी खुद की भी थी। थक गए हो शाकिर? थक गए यार सुबह से, और पता नहीं क्या वजह है। मैं खुद सुबह 10 बजे से आया हुआ हूँ। कोई इस फैसले में, कोई समात में, कोई आपको लगता है इतना लंबा करने वाली कोई चीज़ है? एक पार्टी बायकॉट करके चले गए, आप क्लियर हैं? सुनाएं क्या मतलब, कुछ ताखीर है शायद, बाय से ताखीर भी हो, लेकिन सूरज किसी और साइड से तुलू हुआ था जब हम आए, और किसी और साइड पर गरूब हो चुका, और यहाँ पर कुछ हमारे और भी दोस्त हैं बेचारे, बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ट्विटर को देख रहे हैं।
हैं शराजी, कब तक आ रहा है फैसला? अगर भाई कुछ पता नहीं है, उस सुबह से यहाँ पर फॉर हो रहे हैं। और हमारी फीमेल जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और ये भी हमारी फीमेल जर्नलिस्ट, हमारे मेल कोलीग, और सब इंतज़ार ही कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कयूम सिद्दीकी साहब, असद तूर और बाकी जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। ईसा नकवी भाई को भी आप देख सकते हैं। चार्जर, वो पावर बैंक मांगा जा सकता है? वो मेरी गाड़ी में पड़ा है, गाड़ी ऑफिस में, यहाँ पे मैंने लेके नहीं आया, आई एम सॉरी भाई। तो यहाँ पर रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। और यहाँ पर जहाँ पे भी आप देखें ना, आपको जर्नलिस्ट ऐसे टोलियों की शक्ल में मिलेंगे। बेचारे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई किस तरह से। और ये सब लोग बस सुबह से आए हुए हैं और अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको वो दूर उमर जट बैठा भी नज़र आ रहा होगा, और कुछ और कॉलीग्स भी हमारे बैठे हुए हैं, उनके पास भी मैं आपको लेके मैं आ रहा हूँ उनके पास भी आपको लेके चलता हूँ। लेकिन मीनवाइल मैं थोड़े से आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ज़्यादा, ये सुबह से खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं, ना इनका हेलमेट डाउन हो रहा है, ना इनकी ये शील्ड्स कहीं इधर उधर हो रही हैं, और ना ही ये खुद कहीं आसपास जा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये सारे कैमराज लगे देख रहे हैं, यहाँ पर आते हैं सारे मीडिया टॉक करने के लिए। अंदर से जैसे ही समाज में वक्फा होता है या कुछ भी होता है, वहाँ से निकल के आते हैं सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे आके बातचीत करके अपना जो भी मुद्दा कहना होता है वो कह के चले जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही है, रात हो रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। तो उसके इंतज़ार में बैठे हैं। मैं अपने ज़रा कोलीग्स के पास जाता हूँ। अब्बास शबीर भाई फ्रॉम समा, हम सब इकट्ठे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते रहे हैं। उमर जट हैं फ्रॉम दुनिया न्यूज़, ये हमारे भाई यूट्यूबर। अदील वड़ाई साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप जानते हैं। और ये हमारे जावेद भाई हैं डॉन टीवी से, वो यासिर भाई हैं, और वो हमारे दुनिया न्यूज़ के साबिका कोलीग हैं। लाइव नहीं है वैसे, ज़रा रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा जो इधर के विजुअल्स हैं वो दिखा दिए जाए।